नेपाल से वही बता रहे थे वो कि गृह राज्य मंत्री मत समझिए, विधायक सांसद मत समझिए, हमें समझिए जिससे नेपाल के हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब तो भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अब ये यूपी की सरकार, बाबा मुखर्जी जी नेपाल में कुछ नहीं कर सकते। अब तो भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पकड़े जाएंगे अपराधी। न्यूज 18 के प्रोग्राम में अखिलेश जी, सीएम योगी ने न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा है कि अखिलेश जी 12 बजे तक सोते हैं, फिर दोस्तों के साथ बैठते हैं, शाम को साइकिलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ द्वीप वगैरह खरीदे हैं, इस तरह के। बाबा मुख्यमंत्री जी को हमारा सब पता है, लेकिन 6 अपराधी जो हैं गोरखपुर में एक व्यापारी को मार के चले गए, क्या बाबा मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं क्या? कब आंखें खोलेंगे? और ये जो अपराध हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी से कुचल दिए गए हैं, उसमें फरार हैं, आंख बंद कर करके मुख्यमंत्री सो रहे हैं, और वो भी योगी मुख्यमंत्री हों जो अपने आप को योगी का दावा करते हों, तो सवाल ये है, आंखें सरकार की बंद हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अब शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल जाएंगी। अखिलेश जी, देखिए सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला, सवाल मुद्दे का नहीं है, सवाल है इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले, न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आने में विपक्ष के सभी नेताओं को रोकने की प्रशासन और सरकार ने पूरी कोशिश की, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये सरकार छिपाना चाहती है और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहती है। मुख्यमंत्री जी, इस परिवार को खतरा किससे है? गवाहों को मरवा सकते हैं? वो सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, तो कम से कम जो उनको महसूस होती है कि सुरक्षा कैसे होगी, तो वो पर्याप्त इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, और आज जो सुनने को आ रहा है कि जिस पे आरोप है नेपाल फरार, वो नेपाल भाग गए। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सलूट मारेगा, और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सलूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है, तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं, सरकार फरार कराती है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। गोरखपुर की जो घटना हुई मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां पर एक व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, पूरी पुलिस जिन पे आरोप है वो फरार है, महोबा के आईपीएस फरार हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती वो दमदार सरकार है। बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, तो आप बताइए ये कोई कानूनव्यवस्था चल रही है? मुख्यमंत्री और ताकतवर को न्याय नहीं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र हमारा मजबूत तब होगा जब सच को नहीं मारा जाएगा, सच का उजागर होगा। और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, ये सरकार कोई आवाज उठा रही है उसकी आवाज को बंद कर रखना चाहती है। पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा न्यूज 18 के कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा जजमेंट या जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं, आप क्या स्वागत के लिए बुला रहे हैं? 302 के आरोपी लोग से पूछ लेना है, खड़ा हुआ एक जवान हो, किसी से पूछ लेना, ये 100 नंबर जिसको 112 कर दिया, किसकी देन है?
और पुलिस को कभी इतने प्रमोशन नहीं मिले होंगे जितना समाजवादियों ने प्रमोशन कराए हैं। इसलिए जाते जाते कम से कम उनकी कान से बात लगा करके मुंह कान में कहना और कान में ही सुन लेना, क्योंकि अगर आपकी बात बाबा मुखर्जी जी ने सुन ली तो हो सकता आप पक्का भी इनकाउंटर ना हो जाए। समाजवादी पार्टी क्या विधायक मदद करेगी इनकाउंटर? नहीं हो सकता है, जेल तो जा ही सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल टूर पे कोई नहीं निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था उस पर किसी भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता है वो ठोको तो बताओ, यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। सोनिया मान जी आई थी, इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको नहीं चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय कर रहे हैं। याद रखना, जिस किसी में भी अहंकार आया है और अगर ताकतवर का रास्ता अलग हुआ है तो समय समय पर जनता ने सबक सिखाया। सोनिया मान जी आई थी पंजाब।